गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम अपना पाठ चार पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नीलू. स्टूडेंट्स, हमारे चार चैप्टर हो चुके हैं. मैंने पांचवी पोयम करा दी है मुक्ति की आकांक्षा और आज चौथा चैप्टर करवा रही हूँ नीलू. स्टूडेंट्स, जो नीलू है वो एक संस्मरण है. संस्मरण मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. सबसे पहले महादेवी वर्मा ने यह संस्मरण लिखा है. स्टूडेंट्स, हमारी जो ये लेखिका है महादेवी वर्मा, वो हमेशा अतीत की बातों को लिखती थी. अतीत यानी जो बीत चुका है और बीती हुई बातों को याद करती थी और वो अपनी लेखनी में लिखती थी. स्टूडेंट्स, संस्मरण का अर्थ यही होती है, यही होता है कि बार बार याद आना. तो अब आपको पता चल गया कि संस्मरण क्या होता है और महादेवी वर्मा के ज्यादातर लेख संस्मरण होते थे और इन्होंने ज्यादातर अपने लेख जो लिखे हैं पशु पक्षियों पर ही लिखे हैं जिन्हें पालने का इन्हें बेहद शौक था. तो आज मैं आपको बता रही हूं कि नीलू कौन थी. नीलू महादेवी वर्मा के पास एक पाला हुआ कुत्ता था जिसका नाम था नीलू. नीलू की माँ लूसी जो अल्सेशियन कुतिया थी, बस महादेवी वर्मा ने नीलू के साथ रहकर जो अनुभव किया है वही आपको बताया है. स्टूडेंट्स, ये सारे अनुभव आपको चैप्टर पढ़कर पता चलेंगे. इस बार मैं चैप्टर आपको खुद को पढ़कर समझने के लिए कह रही हूँ. तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, माँ देवी वर्मा के सारी यादें, नीलू के साथ बिताए गए उनका समय, जो उन्होंने अनुभव किया वह सब आपको पाठ में मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, हाँ, लेकिन मैं आपको स्वाध्याय में जो ग्रामर पाठ दिया है वह जरूर मैं बोर्ड पर आपको बता रही हूँ. भाषा ज्ञान में जो आपका प्रश्न है विपरीत अर्थक शब्द लिखो, वह मैंने यहाँ पर लिखे हैं. जन्म मरण, माँ पिता, असमर्थ समर्थ, परिचित अपरिचित, शीत उष्ण, बच्चा बूढ़ा, हिंसा अहिंसक, बड़ा छोटा. स्टूडेंट्स, अब पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थी शब्द, जिसे आप इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं. इसमें काला के दो पर्यायवाची यहाँ पर मैंने लिखे हैं, श्याम श्याह. कपड़ा वस्त्र चीर, कुत्ता कुकुर कुकुर. देखो मैंने दोनों शब्द अलग अलग लिखे हैं, एक कुकुर जिसमें छोटे उ की मात्रा है और एक है कुकुर, इसमें भी एक आधा का आया है और छोटे उ की मात्रा है. घर सदन आलय, माँ जननी अम्बा. अब आपका भाषा ज्ञान में जो प्रश्न नंबर 3 है
उपसर्ग जोड़कर दो शब्द लिखो। आपको मैंने स्टूडेंट्स 6 में बताया था कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, तो शायद आपको ध्यान आ गया हो। फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ कि शब्द के आगे आने वाला जो अक्षर होता है वह उपसर्ग होता है और पीछे आने वाला जो अक्षर होता है वह प्रत्यय होता है। जब शब्द को बड़ा बना दिया जाता है तो उसके आगे जो बड़ा शब्द आता है वो उपसर्ग और जो पीछे एक बड़ा शब्द आता है वह प्रत्यय। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग को जोड़कर दो दो शब्द बनाने हैं। तो जैसे कि सु, तो सु के हमने दो शब्द बनाए, सुपुत्र सुकन्या। असंतोष अस्वच्छ। अभ्यास अपमान। कुपुत्र कुरु। अन अनदेखा अनसुना। अव अवज्ञा अवधारणा अवस्था। ये आपने यहाँ पर उपसर्ग को दोबारा समझा। भाषा ज्ञान में चौथा प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो, शब्द समूह के लिए एक शब्द। बर्फ से ढका हुआ। बर्फाच्छादित। खाने की सामग्री खाद्य सामग्री। सूंघने की शक्ति घ्राण शक्ति। सुनने की शक्ति श्रवण शक्ति। मूर्ति के समान मूर्ति वर। स्टूडेंट्स, अब भाषा ज्ञान के सारे आंसर मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको एक और काम करना है। चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर भी चैप्टर में से ढूंढकर एक एक वाक्य में लिखने हैं। और जो इस पाठ के शब्दार्थ हैं वह भी आपको होमवर्क में करने हैं। धन्यवाद।